all dear students, Miss Haim here. You are watching my YouTube channel. Today I will teach you about social work. So what is social work and what is the role of social work in PMS? So basically, social work is the optional subject in your paper, and social work is very interesting subject. Now you can't appear in private MAMSC program, so that is why I recommend PMS after BA. Agar aapne kuch karna hai BA ke baad, I recommend PMS because I know that in Pakistan here are many families who do not allow their daughters to visit universities physically. ठीक है, बहुत सी ऐसी universities हैं जिनमें parents की तरफ से आपको अलाउ नहीं है कि आप जाएं, और कुछ फैमिलीज़ में रिस्ट्रिक्शन है फीमेल पे, वो नहीं जा सकती, यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, और अगर तो वो यूनिवर्सिटी जाएंगी तो उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, पेरेंट्स के अगेंस्ट जाना पड़ेगा. कुछ फैमिलीज़ हैं कंजर्वेटिव हैं. कंजर्वेटिज़म से मुझे एक बात याद आई कि हमें अगर पाकिस्तान की कंडीशन ठीक करनी है तो हमें फ़ीमेल को इनक्रेज करना है. Even girls are more powerful than boys. ठीक है, boys आप mind मत करिएगा मेरी इस वीडियो में. तो मेरा purpose ये है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, तालीम आपको अच्छाई सिखाती है. तालीम से दूरी इख्तियार करना एक जहालत है. तो मैं यही कहूँगी कि अभी इस्लामिया यूनिवर्सिटी का अगर आपको वाकया याद, थोड़ा सा इररेलीवेंट हो रहा है टॉपिक लेकिन चलें, आपके साथ डिस्कस करना भी ज़रूरी है. तो वो वाकया तो उससे फेसबुक भरी पड़ी है, आपने देखे होंगे. रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियां जाके क्या कर रही हैं, उनकी इज़्ज़त महफूज नहीं है. अब हमारे निज़ाम हकूमत के तहत प्राइवेट MA MSc को बंद कर देना, और ये इतना बड़ा लॉस है. अब जो नौजवान नस्ल थी बेसिकली, जो पढ़ लेते थे फारिग वक्त में, अपनी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करते थे, अब वही नौजवान तबका सिगरेट पिएगा, शराब पिएगा. और फीमेल जो अपनी तालीम की ख्वाहिश पूरी कर लेती थी, घर बैठे प्राइवेट पढ़ लेते थे, एडमिशन भेजते, पेपर दिए, डैट्स ऑल. लेकिन स्ट्रिक्टनेस होती है. PU की डिग्री हासिल करना आसान नहीं है पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोधा यूनिवर्सिटी की. मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहते हैं, मैम PMS जो है ये आप कह रही हैं BA के बाद करना है, तो इसका फ़ायदा क्या है? PMS का पहला फ़ायदा ये है, BA के बाद आपको 14वें स्केल तक की नौकरी मिल जाती है, चलें इन केस. लेकिन MA के बाद आपको 17वें स्केल की नौकरी मिलती है, और MA 2 साल का होता है, और 1 साल में MA करने की आपको परमिशन तब होती है जब आपने बेसिकली ग्रेजुएशन किए हुए आपके 2 साल गुजर चुके हों. तो जो PMS है, PMS आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद अपीयर हो सकते हैं. PMS का कोटा होता है, सीट्स होती हैं फॉर मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम, कोटा मतलब सबके लिए होती हैं. ठीक है, हर सूबे की होती है, हर सूबे का अपना है. जैसे कि अगर पाकिस्तान की बात करें, सिंध की बात करें, तो सिंध में SPSC है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन. हर एक का सर्विस कमीशन, हर डिपार्टमेंट अलग है, और वो उसके हिसाब से डील करता है. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ PMS. कहने का मेरा मकसद ये, बच्चे फॉरगेट द डिग्री ऑफ MA MSc, मूव फॉरवर्ड, गो अहेड. ठीक है, अपना फ्यूचर देखें. योर फ्यूचर इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड इट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. आपके पास इतना अच्छा ऑप्शन है, PMS की प्रिपरेशन कर बैठे करें. 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं बच्चे आपके, और बाकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं. GK का पेपर है, उसमें नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन वो 200 मार्क्स का MCQs बेस्ड पेपर होता है. ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अगर आप कहते हैं मैं आपको रेकमेंड करूँ, तो उसके लिए फिर आप मुझे रब्ता कर सकते हैं. आई प्रोवाइडेड माई कॉन्टैक्ट नंबर राइट हियर, योर स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट मी, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन. सो बेसिकली सोशल वर्क PMS में ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और इसमें टॉपिक है सोशल वर्क को बतौर प्रोफेशन बयान करें. सोशल वर्क PMS इटसेल्फ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. CSS और PMS बोथ आर वेरी इंटरेस्टिंग. अब वो बच्चे जो प्राइवेट MA MSc इस साल नहीं कर सके, मैं उनको यही कहूँगी कि आप PMS की प्रिपरेशन करें, छोड़ दें MA MSc को. या आपने 6 माह तैयारी करनी है, 7वें 8वें महीने 9वें महीने आपका रिज़ल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह. अगर तो आप ऑफिसर बन जाते हैं, 17वें स्केल की आपकी जॉब होती है, सैलरी माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी होती है, और ऑफिसर को तो वैसे भी लैक्स में, वो मतलब वो पैसों में खेलता है, और इवन घर गाड़ी और अदर फैसिलिटीज़
विल बी गिवन टू यू फ्रॉम द गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट की जानिब से आपको दूसरी फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी. सो मेरा टॉपिक है सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन. मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड करती रहूँगी अगर मुझे टाइम मिला क्लासेस से हट के. वैसे टाइम मिलना मुश्किल होता है, ताकि मैं आपको PMS की अवेयरनेस दे सकूं. लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के सोचें कि मैं PMS करूंगी, मैं PMS करूंगा. गा का टाइम नहीं है ना घी का टाइम है. यू हैव टू प्रिपेयर इट नाउ बिकॉज योर एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड आफ्टर 6 months. PMS का हिसाब ये होता है कि अभी आपको टाइम दिया गया, तैयारी कर लें बच्चे. उसके 5 महीने बाद, 6 महीने बाद आपके, जैसे ही आपका 4 months बाद, 5 months बाद आपका, जैसे ही एप्लीकेशन आप सबमिट करवाते हैं, अप्लाई करते हैं इसके एडमिशन के लिए, ठीक है, तो लाइक एप्लीकेशन इसके ऑनलाइन PPSC की वेबसाइट पे, तो उसके नेक्स्ट मंथ ही आपके पेपर्स ले लिए जाते हैं. ठीक है, और इसकी तो पेपर्स भी हैटिक होते हैं, छुट्टियाँ वगैरह नहीं होती पेपर में. ठीक है, ओके. सो आर्चरीज टॉपिक इज़ सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन. सो सोशल वर्क इट सेल्फ इज़ अ प्रोफेशन इन पाकिस्तान. यू आर अ सोशल वर्कर. अगर तो आप सामाजिक कारकुन हैं, यू विल फैसिलिटेट द पीपल, यू विल वर्क फॉर द वेलफेयर एंड बेनिफिट ऑफ द पीपल. आप लोगों की वेलफेयर के लिए काम करेंगे. ठीक है, सो सोशल वर्क का मतलब ये है, सोशल यानी माशर्ती, वर्क यानी काम, लोगों की ज़रूरियात फुलफिल करना, इट्स का सोशल वर्क. सो सोशल वर्क प्रोफेशन इन पाकिस्तान. I'm going to read this topic and I will summarize it and I will explain it line, and line to line explanation is also very important, so don't worry about it. So in Pakistan, social work has received a great deal of recognition. Recognition yani pehchan. Social work ko bahut zyada pehchan mili hai Pakistan mein. Isko subject, as a subject social work mein masters bhi hota hai, PU karwata hai. Though it has not yet achieved distinctive professional status, which is according to the old and established profession like law, medicine and education. जिस तरह से law की तालीम है, education की है, medicine की है, इस तरह social work को भी मकाम मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें हम एक ये social work है क्या? Social work itself is a scientific subject, but it is a social science. लेकिन इसे social science कहते हैं. ये उस तरह की साइंस नहीं है कि खास किस्म की कोई लेबोरेटरी होगी, ये सोशल साइंस है. सच रिकॉग्निशन इज स्टिल अवेटेड फ्रॉम गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की जानिब से वेट किया जा रहा है. हो सकता है इसको भी लॉ की तरह, एजुकेशन की तरह, डिफरेंट एजुकेशनल सब्जेक्ट्स जो वैल्यूएबल होते हैं उनकी तरह से इसको भी वैल्यू दी जाएगी, बट वी हैव टू वेट फॉर इट बिकॉज देर इज नो strong policy from the government for social work, and the general public, particularly from those who had no contact so far with the profession, either as particular participant in as recipient of services. अब government को चाहिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा वेट किया गया, उसके बावजूद हुकूमत ने इसको कोई खास किस्म का एक सब्जेक्ट की फॉर्म नहीं दी. लेकिन इस सब्जेक्ट को एक ऐसा मतलब फॉर्म देना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम लोगों की, इस्लाम हमें क्या सिखाता है? वेलफेयर. ठीक है, इस्लाम सबसे बेहतरीन मज़हब क्यों है? क्योंकि इस्लाम में वो असूल है जिससे दूसरा इंसान मुश्किल में नहीं पड़ता. आपकी वजह से कोई दूसरा इंसान मुश्किल में पड़ा है, आप आखिरत में जॉब दे हैं. सो सोशल वर्क इज़ जस्ट लाइक दैट. Either is particular participant or recipient of service. अगर तो आप PMS का इम्तहान पास करते हैं ना, आप गवर्नमेंट की सर्विसेज में, आप ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनते हैं. ठीक है, और आपको आपका डिपार्टमेंट सौंपा जाता है. ठीक है, आप अगर सर्विसेज अपनी परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो अगर तो आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, आपको पता चलेगा आपकी क्या सर्विसेज हैं, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यू हैव टू फुलफ़िल इन सोसाइटी, कि माशरे में आपने अपनी कौन सी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना है. सो सोशल वर्क आपको ये सब सिखाता है. सोशल वर्क इन पाकिस्तान हैज़ नॉट येट मेड इटसेल्फ क्वाइट क्लियर इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड स्किल्स. लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस पर अभी इतना काम नहीं हुआ, और ये चीज़ अभी इतनी वाजिया नहीं हुई. कुछ इसके कॉन्टेंट्स और कुछ इसके स्किल्स. एजेंसी जॉब्स आर नॉट क्लियरली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस. सो इट इज़, अब ये क्या है, ये आपका पेपर है PMS का, यानी आपने कोई बात करनी है तो आपने वो बात ऐसे करनी है कि आप उसे मतलब टेक्निकली बयान कर रहे हैं. अब आप सोशल वर्क को देख लें, सोशल वर्क की साइड नहीं ले रहे, आपने नेगेटिव एस्पेक्ट पकड़ के अपना आंसर सॉल्व किया, क्योंकि आपने अपना आंसर एग्जामिनर को करेक्ट देना है. ये PMS, हर पेपर की अपनी PMS की ट्रिक है.
अगर आप वो समझ जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, सितरे स्केल में चले जाते हैं। अगर तो आप इसे नहीं करते तो आप मतलब हर क्वेश्चन की टेक्निक को समझें। सोशल वर्क या दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह है? नो, नहीं है। सो एजेंसी जॉब्स आर नॉट क्लियरली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। देयर इज परहैप्स स्टिल सम कंफ्यूजन इन द मेड ऑफ अथॉरिटीज एंड इंटेलिजेंसिया एज टू द डिस्टिंक्शन बिटवीन जॉब्स रिक्वायरिंग ट्रेनिंग ओनली इन थियोरेटिकल सोशल सर्विसेज। क्योंकि अब जो भी जॉब है, ठीक है, और अथॉरिटीज़ में खुद ये कन्फ्यूजन पाई जाती है, चाहे वो अथॉरिटीज़ हैं, इंटेलिजेंसिया है। अब रहना तो अपने सोसाइटी में है, सर्वाइव सोसाइटी में करना है, वर्क अपने सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए करना है, आपकी जॉब ऐसी है, तो क्यों फिर हम ऐसे सब्जेक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे? बात समझ आ रही है मेरी? आपने ये तमाम चीज़ें आप ये फुलफिल क्यों नहीं कर रहे? Nevertheless, attempts have been made to overcome all these difficulties on social work's way to be full-fledged. हमने इन तमाम खामियों को पुर करना है ताकि हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलें। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक PMS सोशल वर्क का, जो कि मैंने अपनी क्लासेस के टाइम में से स्पेयर टाइम निकाल के आपके लिए डिस्कस किया है। अगर तो आपने हैं मेरे चैनल पे, मेरे FB पे, FB रील पे भी मैं शेयर कर रही हूँ, यूट्यूब पे भी और डिफरेंट जो मेरे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड यू मे कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। आई प्रोवाइड माई कॉन्टेक्ट नंबर राइट हियर। PMS का सेशन स्टार्ट हो चुका है। आप में से भी जो स्टूडेंट्स इनरोल होना चाहते हैं फॉर एक्सीलेंट प्रिपरेशन, यू मे कॉन्टेक्ट मी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।